तो बच्चों आज हम लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड का मतलब है पार्टनरशिप के जो जितने भी फर्म के पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में हुए एग्रीमेंट को हम जिस डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम डीड जो है बेसिकली या पार्टनरशिप डीड हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही बनाए, कई बार एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में ओरली भी हो जाता है। तो ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही वैलिड है जितना कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जो पार्टनरशिप डीड की आएगी उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में देयर आर सर्टेन एलिमेंट, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स और हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पीएसआर क्या है, प्रॉफिट्स कैसे बांटा जाएगा, किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई, व्हाट विल बी द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड हाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल दी है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाई जाती है कि पार्टनर्स के बीच में जो कोई भी डिस्प्यूट ना आए, फिर भी ज्यादातर कोशिश करी जाती है कि सारे के सारे पॉइंट्स डीड के अंदर आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स, सभी जो पॉइंट्स हैं वो पार्टनरशिप डीड में आपको मिल जाए। कई बार ऐसे भी पॉइंट्स रहेंगे जो हमने डीड में नहीं डाले हैं। इनकेस अगर कोई पॉइंट डीड के अंदर नहीं डाला है, उसके लिए हम मानकर चलेंगे कि देयर इज नो एग्रीमेंट, तो उसके लिए हम किसकी बात मानेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लास्ट में जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको साइन किया जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन होके। इनकेस अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई है तो इन्हें पार्टनरशिप एक्ट 1932 पिक्चर में आ जाएगा, जो कहता है सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, किस रेट से दिया जाएगा, 6% एंड इंटरेस्ट ऑन राइट्स नॉट चार्ज एंड प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। उसके अलावा लॉस है वो भी इक्वली बटेगा। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर तभी एडमिट हो पाएगा जब सभी पुराने पार्टनर्स क्या देंगे, कंसेंट। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ लायबिलिटीज भी पढ़ी थी कुछ पार्टनर्स के रिगार्डिंग। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि यार अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके अगर कुछ भी पैसा कमा लेता है या फर्म के लिंक से, फर्म के कनेक्शन से, बिजनेस ट्रांजेक्शन से अगर वो कुछ भी पैसा कमा लेता है तो उसका कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने पास रखेगा, दैट अमाउंट शैल बी गिवन टू दी फर्म। प्रॉफिट होगा तो फर्म को देना पड़ेगा, बट लॉस के लिए फर्म कभी भी भागीदार नहीं रहेगा। समझ में आई बात ही नहीं। और अगर कोई भी ऐसा पार्टनर जो बिजनेस करता है इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, अब मान लीजिए हम एबीसी पार्टनर है और सी क्या कर रहा है, बिजनेस कर लेता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की कॉम्पिटिशन में, फर्म की कॉम्पिटिशन में बिजनेस खड़ा कर देता है दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लिए बिना, उस केस में जो वो कॉम्पिटिशन बिजनेस से प्रॉफिट कमाएगा, उस केस में वो जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएगा, दैट बिजनेस जो प्रॉफिट रहेगा वो भी मेरे दोस्तों किसको दिया जाएगा, फर्म को मिलेगा। समझ में आई बात है नहीं। लेकिन अगर लॉस होगा तो लॉस वो अकेला ही झेलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसको भी देख लेते हैं, अदरवाइज तो भी हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सेक्शन 30 ने बोला हुआ है। इंडियन, देखो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमें खाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। फिर भी आपका ज्यादा मन करे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है तो जाओ गूगल पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डाउनलोड करो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। आगे जाके सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने को मिलेगा या लो वगैरह करोगे तो वहां पर मैं आपको सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा बेसिकली। ये तो ये कह रहा है कि अगर ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं माइनर आ सकता है। आपको पहले भी समझाया गया माइनर बिजनेस के अंदर एडमिट हो सकता है बट ओनली फॉर दी बेनिफिट। ठीक है, उसके अलावा ए पर्सन मे बी एडमिट एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद, तो बच्चों वाली बात है। सेक्शन 31 कह रहा है कि एक पर्सन जो है बिजनेस में पार्टनर कब बनेगा, दो बातें होती हैं, तो डीड है या फिर डीड नहीं है। अगर डीड है तो डीड में जो बात लिखी है, डीड में लिखा है कि मेजोरिटी से क्या होगा, व्यक्ति पार्टनर बन जाएगा। जवाब तो यार, मान लो तीन पार्टनर है और डीड में ये लिखा हुआ है कि अगर दो व्यक्तियों ने भी हाँ भर ली, कितनों ने भी हाँ भर ली, दो ने भी, तो भी फर्म क्या हो, तो भी क्या होगा, नया पार्टनर क्या होगा, बिजनेस के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डीड में लिखा होगा वही वाली बात मान लेंगे। बोलो बच्चों। यस सर।
लेकिन अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और उसका क्या कहना है कि सभी पार्टनर्स की कंसेंट होगी तभी मेरे बच्चों क्या होगा पार्टनर एडमिट हो पाएगा। समझ में आई बात? नहीं, ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि आपके माइंड में एक्स्ट्रा नॉलेज चली जाए, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए, कल को अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से भी बनता है तो वो चीजें हो जाए। इस बार तो हम लोग एनसीईआरटी भी कवर करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज रहेगी। समझ आया सारे बच्चों को? ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑब्वियसली बात है एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है सभी पुराने पार्टनर्स की कंसेंट के साथ या फिर इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। देखो डीड में तो जो बात लिखेंगे वो तो मानना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप एक्ट से अलग चलें फिर तो इट्स बेटर कि आप डीड बना लो। क्या बना लो? डीड। डीड नहीं बनाओगे तो किसकी बात माननी पड़ेगी? इंडियन पार्टनरशिप। नया पार्टनर आएगा तभी जब सभी पार्टनर्स कंसेंट देंगे, और एक पार्टनर रिटायर भी तभी हो पाएगा जब सभी पार्टनर्स कंसेंट। और ये बात इसके ऊपर भी एक नंबर क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, इंटरव्यू में पूछ लेता है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? बताइए सारे बच्चे, नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट एंटिटी बनाना चाहती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम से एग्रीमेंट, अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाना चाहती है, देन उस केस में तो उसको अपने आप किया वो अपने नाम से पार्टनरशिप फॉर्म अपने नाम से किसी के खिलाफ केस वगैरह फाइल करना चाहती है, देन तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्टर्ड कराना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ गई बात? उसके अलावा अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ए फॉर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये देखो सेक्शन 35 में ये कह रहा है कि भाई जब अनलेस, अगर आप चाहते हो कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व ना हो, अगर आप चाहते हो कि किसी एक पार्टनर की डेथ होने से फॉर्म डिसॉल्व ना हो, तो उस केस में तो ज्यादा बेटर आप डीड में एग्रीमेंट बना दो, डीड में पॉइंट ये डाल दो कि तीन पार्टनर है, एक की डेथ हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म विल बी कंटिन्यू, क्योंकि फिर भी दो व्यक्ति तो है, बोलो यार। लेकिन अगर तुमने डीड में ये पॉइंट नहीं डाला, अगर डीड में तुमने ये पॉइंट नहीं डाला कि किसी एक व्यक्ति की डेथ होने से फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? फॉर्म डिसॉल्व। इसमें ये बात कही है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड, मतलब जब तक पार्टनरशिप डीड में साफ साफ स्पेसिफाई ना कर रखा हो, साफ साफ क्या स्पेसिफाई ना कर रखा हो कि एक पार्टनर की डेथ होगी तो फॉर्म डिसॉल्व नहीं। देखो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब है क्लोजिंग डाउन द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना? क्लोज करना। क्यों क्लोज करना? भाई वो पार्टनर्स डिसाइड करें। मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैं ओवरव्यू दे रहा था, एक फॉर्म में भी डिसॉल्व ड्यू टू ऑर्डर बाय कोर्ट, या फिर फॉर्म कंटिन्यूस लॉसेस में है, पार्टनर्स को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, या फिर फॉर्म पार्टनर बचा ही नहीं, दो पार्टनर से एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब पार्टनरशिप फॉर्म बचा ही नहीं, बचा क्या? प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पर इस पॉइंट से कह रहे हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ये लो वाली लैंग्वेज है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब है जब तक पार्टनर्स के बीच में खुद से समझौता ना हुआ, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। मान लो तुम सारे पार्टनर्स हो और तुमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है पॉइंट, क्या पॉइंट लिख दिया है कि भाई हमारा फॉर्म कंटिन्यू रहेगा इवन हमारे में से किसी की भी क्या हो जाए? डेथ हो जाए। आगे बात समझ नहीं? अगर ये पॉइंट नहीं लिखा और तुमने बिजनेस क्या कर दिया? कंटिन्यू कर दिया। जवाब दो। yes, इसका मतलब है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू कर दिया और डीड नहीं बनाई, इस ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, तो मेरे बच्चों एक फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब चारों में से किसी एक की भी डेथ हो गई तो फॉर्म फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व। ये हमारा सेक्शन नंबर 35 ने ये बात कही। समझ में आई? पहले पुरानी बुक्स में देखोगे तो ये वाले पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, एक दो साल के एडिशंस में इन्होंने डाले हैं, अब थोड़ा सा ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं कि चलो बच्चों को थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज दे दें, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतनी ज्यादा आवश्यकता रहती है। ठीक है बच्चों, बताओ, बट क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। इसके अलावा अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व all of these questions which was given you in my last class and it is exercise। ab hum exercise ki baat karte hain bachcho, question number 1 par aa jate hain fatafat, sabhi bachche aayenge exercise mein, isko thodi idhar kar do table ko, theek hai beta। haan ji batao, samajh aaya kuch ya nahi aaya? bahut hi badhiya sir, ab hum karenge questions, theek hai।